बरेली पुलिस द्वारा 10 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। देश में स्मैक के कारोबार के लिए अपनी पहचान बना चुका बरेली जिले का फतेहगंज पश्चिमी कस्बा फिर से चर्चा में आना शुरू हो गया। पिछले दिनों पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को स्कूल बस से तस्करी करते हुए स्मैक समेत गिरफ्तार किया था। फतेहगंज पश्चिमी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज फिर से एक व्यक्ति को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। थाना फतेहगंज पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान क्षेत्र के होंडा एजेंसी के करीब सिराज नामक व्यक्ति को शक होने पर रोककर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस तस्कर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पुलिस ने आरोपी पर विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। आपको बताते चले, स्मैक तस्करी के लिए कुख्यात इस कस्बे का हाल ये है कि इस कस्बे में समय समय पर दूसरे राज्यों की पुलिस भी छापेमारी करती रहती है, जिसके चलते यह कस्बा देश भर में स्मैक तस्करी के लिए कुख्यात है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।